मैं हूं नंदिता पांडे और आज आपके सामने फिर आई हूं ये एपिसोड लेके जो सूर्य ग्रहण पे चर्चा करेगा, जो खंड ग्रास सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को पड़ रहा है। कणकणाकृति नामक यह सूर्य ग्रहण या फिर चूड़ामणि नामक सूर्य ग्रहण दिखने में तो बहुत सुंदर दिखेगा, लेकिन जितना ये दिखने में सुंदर है उतना ही भारत में इसका भयावह प्रभाव पड़ेगा। कोरोना नामक बीमारी से हम वैसे ही इस समय जूझ रहे हैं और ये इस समय और बढ़ती जाएगी। इस समय जो ग्रहण पड़ रहा वो पड़ रहा है मिथुन राशि में। मिथुन राशि के स्वामी बुध इस समय वक्री चल रहे हैं। मिथुन राशि होती है या बुध होते हैं आपके ENT के कारक, आपकी बातचीत के कारक, आपके दूर संचार के कारक, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के कारक, वाणी के कारक, वाक्पटुता के कारक और आपके आईज नोज एंड थ्रोट सिस्टम के कारक। ये वायरस अटैक कर रहा है सबसे पहले आपकी आंख नाक और मुंह के द्वारा अटैक करता है, आपके थ्रोट में रहता है, फिर आपके शरीर में ये फैलता है। तो इस समय बुध वक्री होने से इस वायरस के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। मृक्षिणा नक्षत्र पे ग्रहण पड़ रहा है। मृक्षिणा नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल और मंगल होते हैं आगजनी का कारक, भूमि का कारक, युद्ध का कारक, अनाज आदि का कारक, एग्रीकल्चर का कारक। मंगल की वजह से आगजनी की स्थितियां, भूकंप आदि की स्थितियां बहुत ज्यादा इस समय अग्रसर रहेंगी। ग्रहण का मार्ग अगर देखें तो हम सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका से लेकर के ये ग्रहण पूरा मिडिल ईस्ट में जाएगा, मिडिल ईस्ट से होते हुए ये ग्रहण पाकिस्तान, फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया और पूरा आप हिमालयन माउंटेन रेंज ले नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक का ये ग्रहण रहेगा। ये सीधे वहाँ से जा रहा है तिब्बत में, तिब्बत की तरफ से फिर साउथ चाइना, साउथ चाइना से ताइवान, हांगकांग, नॉर्थ कोरिया आदि को लेकर के और फिर सीधे पार्शली थोड़ा सा जापान और फिलिपिन सी तक का ये नीचे जाएगा। इस ग्रहण के मार्ग में जो भी प्रदेश, जो भी देश आएंगे वो कुछ ना कुछ यहाँ पे विपत्ति वाली स्थितियों में आएंगे। बॉर्डर टेंशन्स हो सकते हैं, युद्ध जैसी स्थितियाँ हो सकती हैं, जंगलों में आग लग सकती है, भूकंप भयंकर आ सकते हैं, भूस्खलन बहुत ज्यादा हो सकते हैं, वायु के द्वारा कुछ प्रकोप फैल सकता है। तो ये बहुत सारी इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं। स्पेशली विशेषकर भारत में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा, बहुत संभल के रहना है हमको। जो उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र है, पश्चिम भारत से लेकर उत्तर भारत और उत्तर पूर्व भारत का एरिया है, ये बहुत सेंसिटिव रहेगा। अभी आप देखें गुजरात में 2 भूकंप आ गए 14 तारीख को, और वहीं जम्मू कश्मीर में भी भूकंप आए, और 14 ही तारीख को करीबन 20-21 जगह में एक साथ भूकंप आए, वो सारे के सारे इस सूर्य ग्रहण के मार्ग में स्थित। और ये जो पूरा हिमालयन रेंज है इसमें युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी, बहुत ही तकलीफदेह समय रहेगा। आप देखें तो इंडिया और चाइना के बीच में एक युद्ध जैसी स्थितियां बन गई, या कैजुअल्टीज दोनों ही कंट्रीज के बीच में हो चुकी हैं, एक वॉर जैसी सिचुएशन, बिल्कुल यहाँ पे तनावग्रस्त स्थितियां बिल्कुल एस्केलेट हो गई हैं। ये समय अनुकूल नहीं है, स्पेशली उत्तराखंड का एरिया के ग्रहण का सबसे ज़्यादा असर इस एरिया में होगा, और देहरादून से लेकर के पूरा जोशीमठ, चमोली और बद्रीनाथ, बद्रीधाम, ये बहुत सेंसिटिव रहेंगे। जो श्रृंखलाएं हैं वहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं, नंदा देवी हैं, त्रिशूली हैं, द्रोणागिरी हैं, कंकड़ा हैं, ये सारी श्रृंखला भी यहाँ पे बहुत सेंसिटिव रहेगी। और तिब्बत का वहाँ पे प्लेटू में जा रहा है ये ग्रहण का रास्ता, साउथ चाइना में जा रहा है, साउथ चाइना में दोबारा से ये वायरस फैल सकता है, बहुत उनके लिए भी तकलीफदेह समय रहने वाला है। और ये ताइवान आदि, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इनमें भी बॉर्डर टेंशन हो सकते हैं। ताइवान, ये जो सी में यहाँ पे चाइना का कॉन्फ्रंटेशन रहता है, ये भी एग्रवेट हो सकता है। तो ये वायु से संबंधित कोई भी चीज़ हो, या आगजनी, मंगल से संबंधित कोई भी चीज़ हो, बुध से संबंधित हो सकता है, सैटेलाइट क्रैशेज हो सकते हैं, कुछ इस तरह की स्थितियाँ हो सकती हैं। जो हाई टेक्निकल जोन्स होते हैं वहाँ पे ये डेंट मारे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गूड्स, कम्युनिकेशन आइटम्स जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट्स, कुछ भी हो ऐसी चीज़ें, ये इस समय कुछ ना कुछ एकदम से शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ ऐसा स्थितियाँ बन गया, ये भी हो सकता है। समय प्रतिकूल है, ये ग्रहण का जो समय होता है, मैंने हमेशा बोला है जब आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ता है तो 1.5 महीने पहले और 1.5 महीने पश्चात तक का रहता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो 3 महीने पहले और 3 महीने पश्चात तक का रहता है। ये सूर्य ग्रहण बीच में पड़ रहा है, उससे पहले उपछाया ग्रहण था, अभी 15 दिन भी नहीं हुए और 5 जुलाई को फिर एक उपछाया ग्रहण पड़ रहा है, तो ये इसके बीच में एक सैंडविच की तरह जक्स्टापोज है, इससे इसकी प्रवृत्ति और ज़्यादा भयावह होते जा रही है। आप ही देखें कि इंडिया और चाइना में जो युद्ध हुआ है वो युद्ध अभी करीबन 40-50 साल बाद हो रहा है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, इस तरह की स्थितियाँ नहीं बनी थी, टेंशन रहते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और लगभग पूरे हिमालयन रेंज के अक्रॉस द बॉर्डर चाइना के साथ झड़पें बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है। तो समय, जैसा मैंने कहा, युद्ध जैसी स्थितियाँ या युद्ध होना, ये भी संभवतः इस समय हो सकते हैं।
विशिष्ट व्यक्तियों की, राजनेताओं की या सेलिब्रिटीज़ की इस समय मृत्यु होने का भी ये ग्रहण कारक बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी वजह से भावनाओं में बहते हैं। सामूहिक सामाजिक जनमानस में ग्रहण का प्रभाव रहता है, ताकि कोई भी फ्लो होगा तो वह जनमानस को हानि करेगा। तो आप अपना संयम बरत कर रखें, किसी भी इमोशनल भाव में मत आए, भावनात्मक तौर पे कोई मेजर डिसीजंस नहीं लें। आप जितना अपने को कंट्रोल करके रखेंगे उतना ही ज्यादा सुकून में रहेंगे। और ग्रहण से बचने की सबसे उत्तम चीज होती है कि ग्रहण के समय में दान आदि करें, सतनाजा का दान। ग्रहण के समय कुछ एक अच्छी चीजें भी की जा सकती हैं। ग्रहण के समय जो प्रातःकाल 10 बजे से शुरू होगा और दोपहर लगभग 2:30 बजे तक का भारत में रहेगा, इस समय इसका सूतक एक दिन पहले यानी कि 20 तारीख को रात्रि को 10 बजे से शुरू हो जाएगा। आपने क्या करना है, सूतक के समय खाना ना खाएं, वर्जित रहता है, खान पान से अपने आप को मुक्त करें और तुलसी आदि जरूर अन्न के भंडार और जहाँ पे भी खाना पीना रहता है वहाँ अवश्य रखें। किसी भी प्रकार का एकदम से बाहर जाकर के डायरेक्ट सनलाइट को नहीं देखना चाहिए, ये आपकी आंखों की दृष्टि में हानि पहुंचा सकता है। आप इन्हें अवॉइड करें, लेकिन कुछ एक चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो चीज़ है मंत्र साधना। इस समय साधे गए मंत्र, इस समय जपे गए मंत्र आपको 10,000 गुना फल देते हैं। तो मंत्र, बीज मंत्र का जप करें, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए, ये बहुत शक्ति आपको देगा। आप हवन कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं, यंत्र साधना कर सकते हैं, रुद्राक्ष का धारण कर सकते हैं। इस समय मृत संजीवनी मंत्र का अगर आप पाठ करेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए यहाँ पे रिजल्ट्स आते हैं। मृत संजीवनी मंत्र की रुद्र गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, आप रुद्राक्ष को भी धारण करते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र के साथ धारण करते हैं। कुछ एक मंत्र आपको बताना चाहती हूँ एक, जैसे कि आपको अगर सर्वगुण संपन्नता अपने लिए चाहिए तो कृष्ण भगवान को स्मरण करें और उनका बीज मंत्र क्लिम 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 अगर ऐसे जप करेंगे तो एक तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के फॉर्म में भी जाएंगे, ईश्वर का सानिध्य भी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ उसका अच्छा असर भी आपको मिलेगा। अगर आपको घर में वैभव संपन्नता सुख समृद्धि आदि चाहिए या विवाह आदि नहीं हो रहे तो माता लक्ष्मी का स्मरण करना बहुत अच्छा रहता है। उनका बीज मंत्र है श्रीम, अन्यथा उनका वैदिक मंत्र ओम श्रीम श्रीय नमः का जप अवश्य करें। आपको अगर अबंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि नारायण का जितना स्मरण करते हैं नारायण तो पालन करता है, तो उसी तरह की अबंडेंस, उसी तरह की व्यापकता वैभवता आपको प्राप्त होती है। और विशेषकर कन्याओं का अगर विवाह नहीं हो रहा है तो नारायण का स्मरण करने, गुरु ग्रह ठीक होता है, वक्री चल रहा है इस समय, तो उनका आपने बीज मंत्र जप करना चाहिए, नहीं तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप करना चाहिए। उनका बीज मंत्र होता है दम, दम का जप करें वो आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आपको कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति करनी है तो भैरव देव का स्मरण अवश्य करना चाहिए, ये आपसे किसी भी प्रकार की नज़र दोष बचाते हैं और कोर्ट कचहरी में भी आपको मुक्ति दिलवाते हैं। बगलामुखी का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन भैरव देव का बीज मंत्र होता है भ्रम, भ्रम का जप करें बहुत शुभ रहेगा, या माँ बगलामुखी का जप कर सकते हैं। काली माँ पूरे कलियुग का कंट्रोल करती हैं, कलयुग को कंट्रोल करने वाली माँ का जप अगर करते हैं तो आपके सामने कलयुग से संबंधित जो भी विपत्तियाँ होती हैं वो समाप्त होने लगती हैं और माँ रक्षक के रूप में आपके चारों तरफ एक रक्षा कवच बना देती हैं। एंग रिंग क्लिंग चामुंडाई विजय का जप करना बहुत शुभ रहता है। बीज मंत्र क्रिम का अगर आप जप करेंगे तो अत्यंत शुभता प्राप्त करेंगे। वहीं पर माँ धूमावती का भी जप कर सकते हैं, किसी प्रकार का डेंजर अगर आपको नजर आता है या कोई भी ऐसी नकारात्मक चीज नजर आती है तो धूम मंत्र उनका है, उनका जप करने से आपके लिए फायदा होता है। और सबसे बड़ा मंत्र तो होता है महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र गायत्री मंत्र, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, और उसी के साथ साथ भोलेनाथ का जो बीज मंत्र होता है वो होता है ह्रौम, ह्रौम का जप करने से आपके लिए शुभता आती है, विपत्तियां आपके सामने फटक भी नहीं पाती और आपके अंदर आंतरिक शक्ति का संचार होता है जो एनलाइटनमेंट की तरफ आपको अग्रसर करता है। अगर आप विद्यार्थी हैं या पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य करते हैं, लेखक हैं या कवि हैं, तो इस संबंध में माँ सरस्वती का आह्वान करना बहुत अच्छा रहता है। उनका बीज मंत्र है एंग, आप उसका जप करें, या फिर उनका वैदिक मंत्र है ओम एंग रिंग सरस्वती नमः, उसका अगर आप जप करते हैं तो बहुत शुभता प्राप्त करते हैं। ये छोटे छोटे से मंत्र हैं जिनका आप जप कर सकते हैं। और अगर आपको कुंडलिनी जागृत करनी है, क्योंकि कई साधक इसकी तरफ भी ध्यान करते हैं, तो आपने हम मंत्र का जप करना चाहिए। हम मंत्र से आपके अंदर पूरी वैसी वाइब्रेशन उत्पन्न होती है जो आपके लिए एक बैलेंस लेके आती है माइंड बॉडी एंड सोल की। और
अगर आपको कुछ भी मंत्र समझ में नहीं आता है तो ओम मंत्र का जप करें, पूरा नीचे से मूलाधार से लेके ऊपर आपने सहस्रार तक का ओम मंत्र का जप करना है। ओम मंत्र के जप करने से, क्योंकि ब्रह्मांड का ये स्वर है, ये आपके अंदर भी उसी तरह की एनर्जीज को रेडिएट करता है और आपके लिए बहुत पावरफुल तरीके से आपके लिए चारों तरफ रक्षा कवच बनाता है। तो छोटे छोटे से उपाय आप कर सकते हैं। ग्रहण के बाद थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान करें, पितरों के नाम से दान पुण्य करें, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आती हैं। सारे ही जीव जंतुओं को ब्लेस करना इस समय बहुत अनुकूलता लेकर के आता है, अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए लेकर के आता है, ये भी आप कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने बताया था रुद्राक्ष का आप धारण कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करता है रुद्राक्ष का धारण करना, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। और इसके पश्चात जब आप दान पुण्य कर लेते हैं, आपने समस्त इंद्रादि देवी देवताओं का स्मरण करके, माता लक्ष्मी का स्मरण करके, नारायण का स्मरण करके, शिव शक्ति का स्मरण करके धन्यवाद देना चाहिए। ग्रहण के प्रकोप से उन्होंने प्रोटेक्शन दी है, ये तो नहीं ग्रहण से संबंधित कुछ एक अच्छी चीज़ें जो आप कर सकते हैं उनकी बातें, ग्रहण का क्या असर रहेगा, और 5 जुलाई को भी एक ग्रहण है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।